कैसे हैं आप सब सो माय नेम इज़ अजय शर्मा और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक सो टुडे वी गोना डू सम गम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश द टॉपिक नेम इज़ आर्टिकल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी बच्चों के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और एनी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दैन दिस क्लास इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज सो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए <coughs> अब इस क्लास के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ओके ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एक बार कमेंट में बताएं प्लीज़ हेलो जी वेलकम वेलकम चलिए शुरू करें ऑडियो वीडियो क्लियर ग्रेट 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 कुछ बच्चे कह रहे हैं हो सर हो तो स्टडी किट मंगवाने के लिए या ऑनलाइन कोर्स के लिए ये जो नंबर यहाँ पर गिवन है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर को सेव कर लें और डेली क्लास की फ्री नोटिफिकेशन के लिए भी आपको इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है ठीक है व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दिया है गाइज तो अगर आप स्टडी किट ऑर्डर करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये नंबर रहेगा ठीक है नंबर नीचे भी चल रहे हैं आप मैसेज करके आप ऐसे लिखेंगे कि प्लीज़ सेंड मी द डिटेल ऑफ स्टडी किट तो आपको स्टडी किट की डिटेल मिल जाएगी प्लीज़ सेंड मी द डिटेल ऑफ ऑनलाइन कोर्स तो आपको ऑनलाइन कोर्स की डिटेल भेज दी जाएगी अब शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को जैसे कि मैंने बताया टॉपिक का नेम है आर्टिकल व्हाट इज़ द नेम ऑफ टॉपिक आर्टिकल सो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन कि आपको आर्टिकल टॉपिक आता है पहले आपको रिप्लाई करना है येस और नो में सो वट इज आर्टिकल्स आर्टिकल्स हम किसे बोलते हैं क्या आप इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह बता सकते हैं चलिए देखते हैं जानते हैं बच्चों से एक सेकेंड लैग का इशू आ रहा है नहीं सेम लिंक पे दोबारा क्लिक करोगे तो नहीं आएगा जो आपको लिंक मिला है उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक करके ज्वाइन करो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी ना सब ओके है बिल्कुल सही चल रहा है बिल्कुल ओके चल रहा है जी कोई दिक्कत नहीं है कुछ बच्चों ने बताया ए एन द जब भी किसी भी बच्चे से पूछा जाता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो उनके पास केवल एक ही जवाब होता है क्या ए एन और द क्या इसके अलावा इसकी कोई डेफिनेशन होती है वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स वी क्यू स्टडी इन दिस क्लास टू डे सेल्फ हाउ टू यूज़ ए एन एंड द वी विल स्टडी इन दिस क्लास आर्टिकल्स क्या होते हैं देखो आर्टिकल्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं अगर आपने अगर आपने कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी लिखा दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ माई फ्रेंड पे आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है वो आर्टिकल अलग होता है इसके अलावा आर्टिकल्स का मतलब थिंग्स होता है वो आर्टिकल भी अलग होता है जैसे आर्टिकल्स जैसे ही मैंने रूम खोला तो आर्टिकल्स बिखरे हुए पड़े थे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि रूम खोला तो आपको ए एन द बिखरे हुए दिखे आर्टिकल्स का मतलब केवल ए एन द नहीं होता वो समझना ज़रूरी है आर्टिकल धारा को भी बोलते हैं बीस आर्टिकल के तहत ये लो बनता है ये रूल लागू होता है सो तो आर्टिकल्स हमें ग्रामर के अंदर अगर हम बात करें तो ए एन दे के यूज़ के बारे में बताता है लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव लीफाइज द नाउन आर्टिकल एक टाइप का एड्जेक्टिव होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है और इसमें हम यूथ जो सीखते हैं वो ए एन द का सीखते हैं तो जब भी आपको आर्टिकल्स बोला जाए तो आप ये कहेंगे कि इट इज़ ए टाइप ऑफ एड्जेक्टिव विच मॉडिफाइज नाउन नाउन के लिए ही हमेशा आर्टिकल लगाए जाते हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस टॉपिक को गाइज आर्टिकल्स टॉपिक को सबसे पहले आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर दे आर आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं आज मैं बिल्कुल बेसिक से टॉपिक करवाने वाला हूँ तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे एक्स्ट्रा कॉमेंट्स नहीं करेगा कोई भी बिल्कुल ध्यान से सुने ठीक है वट इज आर्टिकल्स आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है आर्टिकल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स एक होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल एक होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल एंड अनदर इज डेफिनेट आर्टिकल डेफिनाइट एंड इंडेफिनाइट दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं अब कुछ बच्चे इसमें से ऐसे होंगे कि सर हमें तो सारा आता आर्टिकल्स तो हमें नया क्या सीखने को मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी आप बस पेशेंस बनाए रखें ठीक है जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ जिन बच्चों को आर्टिकल टॉपिक आता है तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ही इज़ डैश ऑनेस्ट तो जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है क्या इसमें बता सकते हैं क्या आएगा इसमें क्या फील करेंगे आप? He is honest. बताएं शाबाश यह क्लास डेढ़ घंटे की रहेगी He is honest. तो जिन बच्चों को अच्छे तरीके से आर्टिकल आता है अपनी जोर आजमाइश यहां करके दिखाएं इसमें क्या फील करेंगे कौन सा आर्टिकल आएगा और जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ बने रहें क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूं यहां से बिल्कुल जीरो डिटेल से बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे सो कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये देखो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आर्टिकल टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है इन्होंने बताया कि इसके में अंदर आएगा एन ये बच्चे कॉमेंट में बता रहे हैं कि इसके अंदर आएगा एन बट एन नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा बाद में ठीक है इसका रीज़न क्या है क्योंकि आपने आर्टिकल को सिर्फ रट्टे वाले तरीके से पढ़ा आपने आर्टिकल की डिटेल को ढंग से नहीं पढ़ा हुआ अब ऑनेस्ट बोलेंगे सर यहाँ वोवल की साउंड आ रही है वोवल की साउंड आ रही है तो यहाँ पर आर्टिकल एन लगा देंगे यहाँ पर आर्टिकल एन नहीं आएगा ना ही यहाँ पर ए आएगा और ना ही यहाँ पर द आएगा ये बताऊँगा मैं बाद में पहले हम शुरू करते हैं बेसिक से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं आएगा तो बने रहे मेरे साथ इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है वट इज़ इंडेफिनेट इंडेफिनेट मीन्स नॉट डेफिनेट जो डेफिनेट नहीं है इसके अंदर आता है ए और एन इसके अंदर क्या आता है गाइज ए और एन आता है डेफिनेट आर्टिकल जो होता है इसके अंदर आता है द इसके अंदर क्या आता है द अब हमें जो यूज सीखना है ए एन और द का यूज सीखना है ठीक है उससे पहले आर्टिकल्स की डेफिनेशन आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव आप आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच मोडिफाइज नाउन जिसका काम नाउन को मॉडिफाई करना होता है और इसके अंदर हम ए एन और द के यूज को सीखते हैं डेफिनेट मतलब निश्चित इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित अब ए और एन का यूज कहाँ होगा और द का यूज कहाँ होगा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है गाइज सबसे पहले साउंड वोवल और कॉन्सोनेंट का आपको पता होना चाहिए ए का यूज कैसे होता है और एन का यूज कैसे होता है ए का यूज तब होगा जब साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही होगी हिंदी में बोले तो व्यंजन की साउंड एंड इफ द साउंड इज कमिंग ऑफ अ वोवल देन वी विल यूज एन कॉन्सोनेंट मीन्स हिंदी में बोले तो इसको व्यंजन बोलते हैं इसको हिंदी में स्वर बोला जाता है इफ द साउंड इज कमिंग ऑफ अ वोवल देन वी विल यूज एन एंड इफ द साउंड इज कमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट वी विल यूज आर्टिकल ए अब कॉन्सोनेंट की साउंड कैसी होगी अब बोलेंगे सर ये क्या सिखाने लग गए आप क ख ग ये वाली साउंड आपने सुनी होगी ये सारी की सारी व्यंजन की साउंड होती है कॉन्सोनेंट की साउंड होती है ऐसे ही आ, अनार आम आ, ये वाली जो साउंड होती है ना सारी के सारी ये वाली साउंड होती है स्वर की यानी कि वोवल की किसकी साउंड होती है गाइस वोवल की साउंड होती है ओके okay? आप यूं भी कह सकते हैं कि इफ द साउंड ऑफ ए आई ओ यू इज कमिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड नॉट द लेटर्स कई बच्चे सोचते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि जिस वर्ड की स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू आ जाए तो वहां पर आर्टिकल एन लगा दो तो बात खत्म नहीं इफ द साउंड ऑफ दीज लेटर आर कमिंग ए ई आई ओ यू की अगर साउंड आ रही हो तभी हम एन आर्टिकल लगाएंगे जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैंने लिखा डैश पेन क्या लिखा है मैंने डैश पेन मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं तो ध्यान से समझें कंसंट्रेशन यहीं पे रखें अब मैं बोल रहा हूं पेन तो साउंड किसकी आ रही है सबसे पहले प की आ रही है किसकी आ रही है गाइस साउंड आ रही है प की प फॉर किसके अंदर आ रहा है कॉन्सोनेंट है ना जब भी मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ जरूरी नहीं है कि हम लिख करके देखें तो सबसे पहले प की साउंड आती है और प किस में आता है कॉन्सोनेंट में आता है व्यंजन में आता है okay? ओके और यूं कह सकते हैं कि ए ई आई ओ यू की साउंड नहीं आ रही है कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे तो अ पेन इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है प की साउंड आ रही है और क ख ग ग इसी में प आता है तो ये व्यंजन है कॉन्सोनेंट है उसके साथ हम आर्टिकल ए लगाएंगे यहीं अगर मैं लिख दूं डैश एप्पल तो आप क्या लगाएंगे डैश एप्पल बोल दूं तो आप क्या लगाएंगे तो इसके लिए लिख करके देखिए साउंड आ रही है एप्पल की ए की साउंड आ रही है एप्पल को ऐसे लिखा जाता है तो सबसे पहले ए आ रहा है तो इसका मतलब ये साउंड है वोवल की तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे यहां पर ओके okay? हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे ये हुई बेसिक सी बात जो आई होप आप सभी बच्चों को पता होगी लेकिन इससे भी जरूरी जो चीज़ है जिसे हमें समझना है वो क्या है वो जानना बहुत जरूरी है कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है कहाँ नहीं होता ओके okay? ये आपने नोट कर लिया है अब इसके लिए मैं एक जरूरी चीज़ बताने वाला हूँ ठीक है ध्यान से समझे बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आएंगी तो आर्टिकल ए लगाएंगे वोबल की साउंड आएगी तो क्या लगाने वाले हैं हम एन लगाने वाले हैं जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं डैश हैन तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा है की साउंड आ रही है सो कॉन्सोनेंट इज कमिंग इफ कॉन्सोनेंट इज कमिंग वी विल पुट आर्टिकल ए हैन आ जाएगा हैन आ जाएगा ओके okay? ऐसे ही अगर मैं बोलू डैश इरेजर जिसका मतलब होता है रबड़ तो डैश इरेजर क्या आएगा इसका सही आंसर क्या आएगा एन इरेजर क्योंकि साउंड जो आ रही है वो किसकी आ रही है वोवल वो की आ रही है ये हुई बेसिक की बात अब करेंगे हम बात कॉन्सेप्चुअल जिसको लेकर के बच्चे बड़े ही परेशान रहते हैं और जिसकी वजह से जो आप पिछला मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो नहीं कर पाए थे जो बच्चे तो वो क्यों नहीं कर पाए थे जो बच्चे वहाँ पर एन लगा रहे थे तो वो क्यों लगा रहे थे क्या रीज़न था उस चीज़ को समझने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये वाली है किस बच्चे को ये बात समझ में आई जो सामने लिखी हुई है आर्टिकल इज फॉर द नाउन मेरे साथ साथ रिपीट करना एक बार क्योंकि यहीं पर वो कॉन्सेप्ट है जो आप कभी भी जल्दी से बुक के अंदर या आप नहीं मिलता या आप नहीं पढ़ पाते अगर लिखा भी होता है तो वो समझ नहीं पाते या स्कूल टाइम में आपने जब ये अंदर लगाना सीखा था तब आप ये चीज चूक गए थे जो कि कंपटीशन में पूछी जाती है इसी के ऊपर है सारा का सारा खेल इसको समझिए ध्यान से आर्टिकल इज ऑलवेज फोर द नाउन आर्टिकल इज फोर द नाउन एंड आर्टिकल इज ऑलवेज बिफोर द नाउन इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगाया जाता है और नाउन से पहले लगाया जाता है फिर से बताता हूँ आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगाया जाता है और नाउन से पहले लगाया जाता है अगर सेंटेंस में क्या नहीं है नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आर्टिकल इज ऑलवेज फॉर द नाउन आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है एंड बिफोर द नाउन नाउन से पहले आता है यह है कॉन्सेप्ट अब इस चीज को समझना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके साथ जो आपको मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताया था अगर आपको याद हो सी दिस एग्ज़ाम्पल दैट वी डिड इसमें कुछ बच्चों ने आर्टिकल एन किया था याद है आपको हाँ चलो कोई बात नहीं याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा से दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप ट्राई करें इन क्वेश्चंस को ट्राई करें इन्हीं के ऊपर हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इसमें आर्टिकल फिल करना है अगर आप ट्राई करना चाहते तो कर सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ सेंडेंसेस दिए गाइस इनको ट्राई करो और आप अपना अपना आंसर भी कर सकते हैं ठीक है अपना अपना आंसर सभी बच्चे ट्राई करेंगे वी आर डूइंग द टॉपिक आर्टिकल्स एंड यू आर टू फिल द आर्टिकल्स सुटेबल आर्टिकल फिल करना है यू हैव बीन गिवन सिक्स सेंटेंसेज हेयर सो यू आर टू ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर टू बी फिल्ड इन वट शुड बी द आर्टिकल्स दैट वुड बी फिल्ड इन दिस ट्राई करो शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें फिर आपको एक इंपॉर्टेंट सा बताने वाला हूं मैं इसके अंदर जल्दी से लाइक करें शाबाश अब देखो क्या लिखा है ध्यान से समझना आप समझना बहुत जरूरी है नोट करने वाला आपने जितना करना था कर लिया सबने ट्राई कर लिया अपना अपना आंसर देखो ज्यादातर बच्चों ने यहां पर क्या होगा साउंड आ रही है स की यानी कि कॉन्सोनेंट की तो आर्टिकल ए लगा दिया होगा हैंडसम की ह की साउंड आ रही है तो आर्टिकल ए लगा दिया होगा B sound, ब ब्यूटीफुल की साउंड यानी कि ब कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए लगा दिया होगा स्मार्ट ए हैंडसम ए और ब्यूटीफुल ए सबके अंदर ए लगाया यही आंसर किया आपने किस किस बच्चे ने यही आंसर किया है Very good, very good, very good, very good। चलिए अगर आपने ये वाला आंसर किया है अगर आपने ये वाला आंसर किया है तो समझो ध्यान से यहाँ पर स्मार्ट जो लिखा है ये एक एड्जेक्टिव है स्मार्ट इज एंड एड्जेक्टिव स्मार्ट जो है वो एक एड्जेक्टिव है इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नाउ नहीं लिखा हुआ इसके बाद में नाउ नहीं लिखा हुआ इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है अगर आप ध्यान से देखें तो स्मार्ट तो एक एडजेक्टिव होता है स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव नाउन तो है ही नहीं अगर मैं इसके सामने लिखता स्मार्ट बॉय स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट गर्ल कुछ तो लिखता नाउन तो है ही नहीं इफ द नाउन इज नॉट गिवन वी कैन नॉट पुट आर्टिकल ओवर देयर दिस वुड बी ब्लैंक नो आर्टिकल आएगा इसके अंदर कोई भी आर्टिकल फिल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज दिस इज वॉट दिस इज एडजेक्टिव क्लियर एक बार देख लेना डबल वॉइस का तो कोई इश्यू नहीं आ रहा ना ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ठीक है गुड तो मैं इसके आंसर्स करवा रहा हूँ इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा हैंडसम बॉय हैंडसम स्टूडेंट कुछ तो बताते इसके बारे में तो सिर्फ एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं आएगा स्मार्ट गर्ल अगर गर्ल आ चुका है तो गर्ल इज ए नाउन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है आप अपने रूम के अंदर देखिए जो भी चीज आप देख पा रहे हैं जितनी भी चीजें दिख रही है वो सब नाउन है जो जो चीज दिख रही है उसके नाम बताओ आपके रूम के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है पेन पेंसिल पेपर ऐसे तीन तीन चीजों के नाम लिखेंगे हर बच्चा तीन चीज के नाम जरूर बताएगा बताओ शाबाश आपके रूम के अंदर आपको क्या दिख रहा है आपको पेन दिख रहा होगा फैन दिख रहा होगा कर्टेन दिख रहे होंगे पेंसिल दिख रही होगी मार्कर या फिर आपका लैपटॉप ले, या मोबाइल फोन या नोटबुक या बैग बॉटल फ्रीज जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो सब नाउन है तो नाउन ऐसी चीज होती है तो अब यहाँ पर गर्ल जो लिखा हुआ है वो एक नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल ए लगेगा ये सेंटेंस हमारा ठीक है इन तीनों में कोई आर्टिकल नहीं आया नो आर्टिकल आएगा इसके अंदर हैंडसम के आगे बॉय लगा हुआ है इट इज करेक्ट बिकॉज इसमें नाउन आया हुआ है ब्यूटीफुल के बाद में गर्ल है जो कि एक नाउन है तो ये करेक्ट है क्लियर वेरी गुड तो जो चीज आप देख सकते हैं वो भी नाउन है और जो नहीं देख सकते वो भी नाउन है जिसका कुछ नाम है वो नाउन है बस सिंपल सी बात है तो नाउन से घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको क्या आपका आंसर यही था आप अपने आप को आउट ऑफ सिक्स कितना स्कोर दे रहे हैं अगर हम इसकी बात करें तो सिक्स में से आप अपने आप को कितना स्कोर दे रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं शाम को मेरी क्लास साढ़े आठ बजे होती है वो आप लगा सकते हैं जिसमें एम करवाए जाते हैं अब अगर आपको याद है तो मैंने आपको दिया था एक क्वेश्चन ही इज डैश ऑनेस्ट याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन दिया गया था सो so, इसमें ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिया था वो एन दिया था आप बता सकते हैं इसमें क्या आएगा क्या आना चाहिए इसका सही आंसर वेरी गुड फील करो करो शाबाश इसमें कुछ नहीं आएगा नो आर्टिकल रीजन क्या है दिस इज एडजेक्टिव एडजेक्टिव आर्टिकल्स ऑलवेज आर्टिकल इज ऑलवेज फॉर द नाउन अगर आपको याद हो तो ये याद आ रहा है ये वाला देखो आर्टिकल इज फॉर द नाउन एंड आर्टिकल इज बिफोर द नाउन आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगाया जाता है और नाउन से पहले लगाया जाता है समझ में आया फॉर बिफोर फॉर बिफोर याद आ रहा है फोर बिफोर फोर बिफोर तो अब अगर इसी सेंटेंस में ऐसा लिख दिया जाए ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय तो इसके अंदर क्या आएगा इसके अंदर क्या आ जाएगा एन ऑनेस्ट बॉय अब सही होगा क्योंकि इसके अंदर नाउन आ चुका है Now, there is a noun. अगर sentence में नाउन अगर नहीं है तो आर्टिकल आ ही नहीं सकता कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा सिंपल सी बात तो में आर्टिकल पिछले वाले में जो बच्चों लगाया था, आप समझ में आया कि क्या गलती कर रहे थे आप लोग आपने नहीं देखा कि ऑब्जेक्टिव है या इसके बाद में नाउन भी लिखा हुआ है और ऑनेस्ट क्या आप ऑनेस्ट को देख सकते हैं ऑनेस्ट ऑनेस्ट होता है नाउन वो भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नाउन होता है ओनेस्टी होता है वो तो और उसके साथ में आर्टिकल लग नहीं सकता क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है समझ रहे हो तो यहाँ पर कोई ना कोई नाउन का होना जरूरी है अगर नाउन है तो ये आर्टिकल लगेगा अदरवाइज आर्टिकल नहीं लगेगा अब हम शुरू करने वाले हैं इंडेफिनाइट एडजेक्टिव इंडेफिनइट आर्टिकल आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स फर्स्ट इज इंडेफिन आर्टिकल एंड सेकेंड इज इंडेफिनट इंडेफिनट इन डेफिनाइट सो इंडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर आता है ए और एन डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है द डेफिइट यानी कि फिक्स होता है इंडेफिनिट यानी कि फिक्स नहीं होता इंडेफिनइट मतलब ए और एन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज इंडेफिनाइट आर्टिकल इंडेफिनइट आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है सो हेडिंग डाल लीजिए इंडेफिनाइट आर्टिकल की इंडेफिनाइट आर्टिकल व्हाट इज इंडेफिनाइट आर्टिकल अभी अभी बताया गया था कि इंडेफिनइट आर्टिकल ए और एन का यूज रहता है तो मैं आज यही एक्सप्लेन करने वाला हूं पूरा कि ए और एन का यूज कहां कहां और कैसे किया जाता है अभी तक तो सिर्फ कॉन्सोनेंट वोवल का इतना ही यूज सीखा है ना अभी तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो छुपी हुई है हमें नहीं पता वेरी फर्स्ट रूल इज वट इसका रूल नंबर वन क्या है उसको समझते हैं इट ऑलवेज कम्स विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन इसका यूज हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा ऑनेस्टी से इसके अंदर फील करना है क्या आएगा ओके okay? सभी बच्चों को ट्राई करना है ट्राई करें शाबाश इन टेन ब्लैंक्स को ट्राई करना है इन डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज इसका रूल भी मैंने बता दिया है आप अपना अपना आंसर फिल करें शाबाश वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए इसके अंदर फिल कर लेते हैं फटाफट से आ बॉय आ मैन आ वमेन आ इरेजर्स या एन इरेजर्स हैन एन ऑरेंज आ ऑयल या एन ऑयल एन इंक एन ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट बॉय क्या आपका आंसर यही है एक बार चेक करो क्या आप सभी ने यही वाला आंसर किया है क्या आप सभी ने यही आंसर किया है जिस जिस बच्चे का ये आंसर है बताओ जिस जिस बच्चे का ये आंसर है मुबारक हो आपका गलत है ध्यान से देखो बॉय है वो कैसी साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट सो अ बॉय इज द राइट आंसर बट यहां ध्यान से देखिए एम ई एन लिखा हुआ है गाइज क्या लिखा हुआ है एम ई एन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है एम ई एन लिखा हुआ है अगर एम ई एन लिखा हुआ है इट मीनस यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसका क्या रीजन है यहां पर मैंने कहा कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसका क्या रीजन है क्योंकि गाइस ध्यान से देखिए एक होता है मैन एम ए एन जो कि होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होता है गाइस एम ई -E एन ये इसका प्लूरल होता है तो मैंने आपको बताया कि ए और एन का मतलब क्या होता है इसके दो मीनिंग निकलते हैं एक मीनिंग तो होता है एक दूसरा मीनिंग होता है कोई ए और एन का क्या मतलब होता है कोई या फिर ए और एन का क्या मतलब होता है कोई या फिर एक तो एक बात बताओ एम ई एन तो प्लुरल होता है जिसका मतलब बहुत सारे आदमी तो मैं बहुत सारे आदमी के साथ ए एन कैसे लगा सकता हूं तभी तो लिखा गया है ना कि इसका यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही किया जाता है किसके साथ किया जाता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ तो यहां जो एम ई एन है यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा और अगर एम ए एन होता तो हम क्या लगा देते ए और एम ई एन है तो कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे इसका ध्यान रखना है क्योंकि एम ए एन होता है सिंगुलर और एम ई एन होता है प्लूरल तो अगर प्लूरल है तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे अगर सिंगुलर है तो एम ए एन लगाएंगे क्लियर है गाइस बहुत बढ़िया अब देखो वुमेन होती है सिंगुलर वुमेन सिंगुलर है तो ये ये आंसर हमारा करेक्ट है जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है इरेजर्स ध्यान से देखिए एस लगा हुआ है तो ये क्या बन गया प्लूरल तो मैं क्या प्लूरल के साथ ए और एन का यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता Plural के साथ में ए और एन का यूज नहीं कर सकता इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा आंसर होगा नो आर्टिकल जहां मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसका मतलब वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा उसका आंसर होगा नो आर्टिकल ऐसे देखिए हैन है हैन होता है मुर्गी तो कितनी मुर्गी की एक मुर्गी की बात हो रही है ठीक है ऑरेंज कितना है एक है तो एन ऑरेंज ठीक है वोवल की साउंड आ रही है ऑरेंज 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 बोलते हैं तो

इंक इंक होती है अनकाउंटेबल इंक क्या होती है अनकाउंटेबल होती है ओके okay? सो so, क्या इसको ये अगर अनकाउंटेबल है तो क्या इसके साथ हम ए और एक लगा सकते हैं क्या आप मिल्क को बोल सकते हो कि आई ड्रिंक आ मिल्क नो क्योंकि मिल्क इज अनकाउंटेबल जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता honest इज एन एडजेक्टिव अभी-अभी बताया था इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि honest एक एडजेक्टिव है लेकिन मैं honest के साथ बॉय लगा दूं कि वो बॉय है तो सही है हमारा आंसर एन ऑनेस्ट बॉय तो हमेशा ध्यान रखिए आर्टिकल फिल करते टाइम आर्टिकल फिल करते टाइम जो साउंड होती है वो एक एडजेक्टिव उससे पहले जो लिखा होता है उसकी देखी जाती है और लगाया वो नाउन के लिए जाता है क्लियर एन so, honest बॉय इज द राइट आंसर बट इसमें एन नहीं आया बिकॉज दिस इज एन एडजेक्टिव और adjective है इसीलिए इसके साथ में adjective है इसीलिए इसके साथ में कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे यहां पर क्लियर बहुत बढ़िया सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है सो so, मुझे एक बार बताइए टेन में से आपका क्या स्कोर बन रहा है वट इज योर स्कोर आउट ऑफ टेन अभी तक टेन में से आपका क्या स्कोर बन रहा है सभी बच्चे बताएंगे वीडियो को फटाफट से लाइक भी करें साथ के साथ सभी बच्चे क्या बात है सबको क्लियर बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गुड ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर वन कॉन्सेप्ट नंबर टू की तरफ बढ़े गुड 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 बहुत बढ़िया रूल टू अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये किसके लिए है इंडेफिनाइट आर्टिकल के लिए ही है इंडेफिनाइट आर्टिकल के लिए ही लेकिन रूल टू पढ़ने से पहले कुछ हो जाए थोड़ी सी प्रैक्टिस रूल टू पढ़ने से पहले हो जाए थोड़ी सी प्रैक्टिस ठीक है। वन टू एट प्रैक्टिस करें क्वेश्चन नंबर वन टू एट अपना आंसर बताएं फटाफट फड़ से सभी बच्चे आई होप दिख भी रहा होगा आपको ये जूम कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो सभी बच्चे वन टू एट अपना अपना आंसर करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और भी दिया जाएगा बाद में आपको लेकिन साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा रहता है वन टू एट ए और एन में से क्या आएगा इनडेफिनेट आर्टिकल फिल करना है जल्दी जल्दी करिए क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऑरेंज साउंड ऑफ वोवल इज कमिंग देखो ऑरेंज ओ oh की साउंड आ रही है ऑरेंज ऑरेंज ओ वोवल के अंदर आता है तो एन ऑरेंज एप्पल एप्पल में किसकी साउंड आ रही है ए यानी कि वोवल की एन एप्पल आंट यानी कि चीटी तो एन आंट एलिफेंट एलिफेंट में किसका साउंड आ रहा है एन एलिफेंट ठीक है अ काव क्योंकि साउंड जो आ रहा है वो आ रहा है कॉन्सोनेंट का यहां पर है ना काओ बोलते हैं तो चाइल्ड कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है अ चाइल्ड डैश एग्स नो आर्टिकल क्योंकि एग्स यहां पर क्या है एक्स जो यहां पर लिखा हुआ है वो क्या है गाइस बताओ जल्दी से प्लूरल yes, है एस लगा हुआ है अगर मैंने आपको जो रूल बताया था कि काउंटेबल सिंगुलर जो नाउन्स होते हैं ना सिर्फ उन्हीं के साथ में हम आर्टिकल लगा सकते हैं ये तो एग्ज लिखा हुआ है ये तो प्लूरल होगा इसमें नो no आर्टिकल आएगा ओके वेरी गुड नेक्स्ट अम्ब्रेलाज यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है अ uh की साउंड आ रही है यानी कि वोवल की साउंड आ रही है अम्ब्रेला बोलते टाइम है ना लेकिन लास्ट में एक और चीज़ लगी हुई है एस क्या लगा हुआ है एस अम्ब्रेलाज सो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा अगर यहाँ एग्स की जगह एक बात बताओ मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं और ब्लैंक दे देता हूँ यहाँ पर लिख दिया मैंने चिल्ड्रन तो इसमें भी फिल करो क्या आएगा यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एग इसमें भी बताओ क्या आएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अम्ब्रेला तो यहाँ पर भी बताओ क्या आएगा फिल करके बताओ क्या आना चाहिए यहां पर मान लेते हैं यहां चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन होता तो क्या आंसर करते आप चिल्ड्रन होते हैं ज्यादा प्लूरल सो इसका सही आंसर क्या होता नो no आर्टिकल क्या होता नो no आर्टिकल अब एग्स में तो एस लगा हुआ है ये प्लूरल है लेकिन ये वाला एग तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा एन एग ओके यहां पर प्लूरल है लेकिन अम्ब्रेला अकेला लिखा होगा तो क्या आ जाएगा एन अम्ब्रेला है ना समझ आ रहा है सभी को क्लियर हुआ ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं तो जो बच्चे हमारे पेड बैच में आना चाहता है हमारा पेड बैच अभी हाल ही में शुरू हुआ है चार तारीख को शुरू हुआ है मंडे टू फ्राइडे उसमें क्लास होती है रेगुलर ऑल सब्जेक्ट्स की तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज डाल करके एनरोल कर सकते हैं हमारा वैदिक मैथ्स का कोर्स भी आ चुका है सेवनटीन मई से आई थिंक है वो तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप स्टडी किट या बुक्स मंगवाना चाहते हैं हमारे नोट्स हमारी जो बुक्स हैं जिसमें से अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आप घर पर मंगवा सकते हैं पूरी किट जिसके अंदर टोटल थर्टीन बुक्स आती है पूरे कोर्स की तैयारी के लिए वो भी आप मंगवा सकते हैं ये जो थर्टीन बुक्स है इसकी कोस्ट पड़ती है रुपीज़ फ़ाइव थाउजेंड जो आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट्स की जो बुक्स है वो आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी इसके लिए आपको गूगल पे फ़ोन पे सेम नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप पर शेयर करना है या इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज डाल दें कि प्लीज़ सेंड मी द डिटेल ऑफ़ ऑनलाइन कोर्स तो आपको ऑनलाइन कोर्स की डिटेल भेज दी जाएगी अगर आपको स्टडी किट के बारे में जानकारी लेनी है तो प्लीज़ सेंड मी द डिटेल ऑफ स्टडी किट आपको स्टडी किट की डिटेल भेज दी जाएगी उसके बाद आप अपना एनरोल कर सकते हैं अब आगे बढ़ें रूल नंबर टू सीखें रूल नंबर टू क्या कहता है रूल नंबर टू किसका पढ़ रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा इंडेफिनाइट आर्टिकल ही चल रहा है हमारा इंडेफिनाइट आर्टिकल का रूल नंबर टू इंडेफिनाइट आर्टिकल का रूल नंबर टू इंडेफिनाइट आर्टिकल का रूल नंबर टू ये क्या कहता है कि जितने भी प्रोफेशंस हैं और ऑक्यूपेशन हैं जितने भी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस हैं, काम धंधे उनके साथ हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज करें जैसे कि डैश क्लर्क डैश मैनेजर आपको फिल करना है ट्राई करना ठीक है डैश अकाउंटेंट डैश इंजीनियर डैश लॉयर डैश कोई भी प्रोफेशन शॉपकीपर बताइए शाबाश यह है रूल नंबर टू इसमें आपको ब्लैंक फिल करने हैं प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड सो इसमें क्या आएगा अ क्लर्क साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की अ मैनेजर साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की ओके ओके एन अकाउंटेंट साउंड आ रही है वोवल की अकाउंटेंट बोलते हैं तो ओके डैश इंजीनियर्स डैश इंजीनियर्स बोला जा रहा है डैश इंजीनियर्स मतलब बहुत सारे हो गए तो जो चीज काउंट नहीं की जा सकती उसके साथ आरटीआई एन तो नहीं लगाया जा सकता लॉयर बोल रहा है तो आ लॉयर डैश शॉपकीपर आ शॉपकीपरू आकाश रूल नंबर वन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू रूल नंबर वन कहाँ पढ़ा है आपको गलत क्या है इसमें सही तो है एम ई एन प्लूरल लिखा हुआ है नो आर्टिकल आएगा आप मुझे लगता है चाइना से पढ़ के आए हुए हैं इसलिए आर्टिकल लगवाने को तुले हुए वहाँ पे हैं बताओ शाबाश क्या आएगा गुड तो सिक्स में से अपना स्कोर बताएंगे सभी बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रूल समझ में आ गया सभी बच्चों को चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थ्री के लिए प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आपको समझ में आ चुका है अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री क्या कहता है देखो अगर आप किसी चीज को अननोन तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि मैंने बताया था ना कि ए और एन का जो मीनिंग होता है ए और एन का जो मीनिंग होता है वो एक भी होता है और कोई भी होता है अब मान लो कोई पर्सन जाता है किसी के ऑफिस में विजिट करने के लिए और वहाँ पर फ्रंट ऑफिस जिसो जिसको रिसेप्शन बोलते हैं वहाँ जाकर के कहता है कि मुझे मिस्टर शर्मा से मिलना है या मुझे आपके जो सर हैं बॉस हैं उनसे मिलना है तो कैसे बोला जाएगा इसको मान लेते हैं उस जो लड़का मिलने के लिए आया उसका नाम मोहन है तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है या जो फ्रंट ऑफिस पे है वो अपने जो सीनियर है उसको कैसे इन्फॉर्म करेंगे कैसे इन्फॉर्म करेंगे डैश मोहन हेज कम टू मीट यू हम ऐसे बोलना चाहते हैं क्योंकि आप मोहन को जानते नहीं हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि कोई मोहन आपसे मिलने के लिए आया हुआ सर बाहर कोई मोहन इसका मतलब यह हुआ कि आप उस मोहन को जानते नहीं हो तो हम बोल सकते हैं कि आ मोहन ये तभी होगा जब आपको लगे कि पर्सन अननोन है अननोन पर्सन के लिए ही आर्टिकल ए और एन का यूज नेम के साथ किया जा सकता है ठीक है आर्टिकल ए का यूज करेंगे अननोन पर्सन के लिए केवल और ये प्रॉपर नाउन जो होता है उसके साथ आर्टिकल लगाया नहीं जाता जिसे ओमिजिन ऑफ नाउन भी कहते हैं वो हम आगे एडवांस लेवल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे लेकिन ये तभी लगता है केवल और केवल तभी लगेगा जब अननोन पर्सन की तरह किसी को ट्रीट किया जा रहा हो कि कोई मोहन आया हुआ है तो इसका मीनिंग एक और कोई होता है अदरवाइज किसी के नेम के साथ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते लेकिन ये सिर्फ अननोन होने की वजह से ऐसा हो रहा है ठीक है क्लियर रूल नंबर फोर कुछ एक फ्रेजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जो कि टेक या मेक से स्टार्ट होती है उनके साथ जैसे कि टेक अ रेस्ट जैसे यहां पर लिखा टेक रेस्ट तो टेक अ रेस्ट अगर टेक से स्टार्ट हो रही है तो हम लगाएंगे टेक अ बाथ टेक अ बात ओके टेक अ बात, टेक अ टेस्ट कोई पेपर देना या टेस्ट देना मेक अ फन किसी का मजाक उड़ाना तो टेक और मेक से शुरू होने वाली फ्रेजिज फ्रेजेस होते हैं सेंटेंस का छोटा पार्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक मेक ऐसे ही लिखा जाता है मेक अ नॉइज मेक अ फस फस होता है बात का बतंगड़ बनाना राई का पहाड़ बनाना मेक अ फस राई का पहाड़ या बात का बतंगड़ बनाना ओके okay? सो दीज़ आर द फ्रेजेज फ्रेजेज़ वो जो टेक और मेक से स्टार्ट होती है जैसे टेक रेस्ट रेस्ट करो स्नान करो टेस्ट दो लिखने वाला टेस्ट किसी का मजाक उड़ाना मजाक बनाना नोइज़ शोर करना बात का बतंगड़ बनाना तो ये वो फ्रेजेज़ हैं जिनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है जो टेक और मेक से स्टार्ट होने वाली फ्रेजेज हैं उनके साथ आर्टिकल ए का यूज किया जाता है गाइस क्लियर सभी को बहुत बढ़िया रूल नंबर फाइव यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं एब्रीवेटेड और शॉर्ट फॉर्म्स के साथ किसी की शॉर्ट फॉर्म्स हो ऐब्रीविएशन्स जिनको बोलते हैं ठीक है जैसे कि डैश एम एल ए डैश बी ए डैश एम ए डैश एस एच ओ ठीक है डैश बी टेक इनको फिल करना है इनमें आर्टिकल फिल करना है गाइस ट्राई करो अगर शॉर्ट फॉर्म्स आ रही है तो कैसे आर्टिकल उसमें फिल किए जाते हैं ट्राई करो गाइस बहुत बढ़िया सबसे पहले देखो एम एल ए एम एल ए जब वर्ड बोला जाता है तो कैसे बोला जाता है ऐसे बोला जाएगा एम एल ए हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा तो इसका सबसे पहला लेटर क्या है ए है दिखने में यहां एम दिख रहा है लेकिन जो साउंड आ रहा है दैट इज ऑफ वोवल, बल एम ए तो क्या आ जाएगा एन एम एल ए क्लियर एन एम एल ए डैश बी ए पहले आएगा फिर बी फिर ए बी ए सो क्या आएगा आ बी ओके ऐसा ये है एम ए सो क्या आएगा इसमें ये ए आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम एन एम ए क्या लिखेंगे हम एन एम ओके एस एच ओ एस एस में तो इसमें एस दिख रहा है सबको लेकिन लिखा कैसे जाता है एस एस एच ओ तो इसमें देखो क्या लिखा एस लिखा हुआ है एस में सबसे पहले क्या आता है ए आता है तो क्या लग जाएगा एन एस एच ओ बी टैक सो और बी तो आ बी टैक आएगा क्या आपका यही आंसर था चेक करो क्या आपने यही आंसर किया इनको भी ट्राई करो अगर इनकी फुल फॉर्म लिखी हो, होगा ये तो थी एब्रीवेटिड फॉर्म अगर फुल फॉर्म लिखी आ जाए तो आर्टिकल क्या फिल होगा ट्राई करो स्पेलिंग देख लेना पे सी एच ई आएगा ओके okay? hmm.